नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कराटे ट्रेनिंग फॉर बिगनर, कि नए लोग कराटे किस तरह से सीख सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप कराटे के बारे में सर्च करते हैं कि बिगनर्स लेवल से आप सीखने का ट्राई करते हैं यूट्यूब पे, तो ज़्यादातर वीडियो आपको हो सकता है जैपनीज, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में आपको मिलती हो। लेकिन दोस्तों, हमने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि आपको और आसानी हो कराटे सीखने में, आप अच्छे कराटे सीख पाएँ, इसीलिए हम अपने सारे ट्यूटोरियल्स हिंदी में बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी में कराटे के ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, मार्शल आर्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आप कराटे की ट्रेनिंग किस तरह से सीख सकते हैं। दोस्तों, कराटे की ट्रेनिंग को तीन अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। फर्स्ट है किहोन, सेकंड है काता और नेक्स्ट है कुमिते। दोस्तों, आपको किहोन के ऊपर भी कुछ वीडियोस हमने पहले बनाई हुई हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, और काता के ऊपर भी। दोस्तों, आज हम आपको कराटे का लेसन वन बताएंगे कि अगर आपको मार्शल आर्ट से कराटे के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप सीखना चाहते हैं और आप आज फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इस ट्रेनिंग को इस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट होते हैं फंडामेंटल्स कराटे में। दोस्तों, कराटे की ट्रेनिंग को करने से पहले आपको कुछ फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए। लाइक फर्स्ट होते हैं तेवाजा मींस हैंड्स टेक्निक, सेकंड होती है आशीवाजा मींस लेग्स टेक्निक, थर्ड होते हैं दाचीवाजा मींस स्टांसिस, और नेक्स्ट होते हैं उकेवाजा मींस ब्लॉक, और फिर होता है गेरीवाजा मींस किक्स। तो इन सभी की ट्रेनिंग हम आज करेंगे। लेसन वन में आज हम आपको बताएंगे कि आप स्टार्टिंग में किस तरह से ट्रेनिंग करें। सबसे पहले दोस्तों, आपने वार्म अप से स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे शॉर्ट वार्म अप से स्टार्ट। दोस्तों, कराटे की एक फुल वार्म अप होती है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वार्म अप को भी सीख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट लेसन के हिसाब से अगर आप ये वार्म अप भी करते हैं तो आपके लिए बहुत रहेगी। तो इस वार्म अप से स्टार्ट करके हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट, आप वार्म अप के लिए हैंड्स कमर पर रखेंगे और जंपिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। अब स्टेपिंग आपने करना है आगे पीछे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change. अब अपने hands को knees पर रखना है and sit ups करना है। 1 2 3 ध्यान रखेंगे इसमें पूरा नीचे बैठ के ऊपर उठना है, ये ऐसे आधा नहीं करना। 4 पूरा नीचे बैठ के। 5 next change, legs open side, then knees बिल्कुल straight, toes की direction अंदर, hands front, head touch start. 1 2 3 4 5 change, same position, आपने hands back रखना है, stretch करना है down. 1 2 3 4 5 change, ankles grip. 6 7 8 9 10 side stretch. 1 2 3 4 5 other side same, ankle grip and hand दूसरा ऊपर से. 6 7 8 9 10 next आपने stretch करना है side, इस तरह से सामने देखकर knee bend आगे की तरफ, back leg का knee जमीन की तरफ, fingers grip tightly ऊपर. 1 2 3 4 5 and same time hands down रखेंगे, सामने देखेंगे straight, try करना अपनी हथेली इस तरह से जमीन पे रखना. 1 2 3 4 5 same other side same, आपने stretch करना है इसी तरह से. 1 2 3 4 5 knee जमीन की तरफ, hands tight. 6 7 8 9 10 change. next आपने करना है legs touch, fingers grip, full body stretch करेंगे. 1 2 3 4 5 stretch down. 6 7 8 9 10 legs open side, knee bend इस तरह से down, toes की direction बाहर रखेंगे, knees की direction बाहर की तरफ, body posture सीधा, side stretch करेंगे. 1 2 3 4 5 other side. 6 7 8 9 10 change. next ऊपर उठेंगे, stretch करेंगे hand side. 1 2 3 4 5 side to side stretch. 6 7 जब आप साइड टू साइड कर रहे हैं स्ट्रेच, तो इस तरह से हील अप देन स्ट्रेच साइड, देन अदर साइड सेम हील अप देन स्ट्रेच साइड. 7 8 9 10 चेंज इस तरह से. ओके, अब हैंड्स घुमाएंगे फास्ट. 1 2 3 4 5 रिवर्स. 6 7 8 9 10 चेंज. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज साइड टू साइड स्ट्रेच. 1 2 3 4 5 चेंज. 1 2 3 4 5 change up and down. 1 2 3 4 5 round slowly. 1 2 3 4 5 other side same. 1 2 3 4
फाइव चेन। ओके, इसके बाद हम करेंगे साइड सिटिंग्स। किस तरह से करना है, आपने लेग्स ओपन करना है इस तरह से। और स्टार्टिंग में अगर आप अभी बिगनर से लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो हैंड्स आप आगे रख सकते हैं और एक साइड आपने इस तरह से ट्राई करना है नीचे बैठने का और दूसरी साइड टो की डायरेक्शन को इस तरह से ऊपर उठाना है। नी आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा जो उनसे लेकर आपने आगे खोला है और दूसरा नी बैंड ऊपर रहेगा। ट्राई करना है जो आपकी हील है वो ज़मीन पे टच हो। अगर नहीं हो पा रही, प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से थोड़ी ऊपर रख सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन ट्राई करना है धीरे धीरे करके जो आपकी हील है वो ज़मीन पे टच हो जाए। और फिर आपने करना है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। बेसिकली हैंड्स आगे रखते हैं इसमें, अगर नहीं कर सकते तो ही आपने हैंड ज़मीन पर रखना है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें आपने कम से कम भी जो आपने साइड सिटिंग्स करना है इसको 20 टाइम्स करना है और उसके बाद आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो स्टार्टिंग हम अपनी ट्रेनिंग की करेंगे तेवाजा से, मीन्स हैंड्स टेक्निक से। दोस्तों तेवाजा में भी दो पार्ट होते हैं, एक है जुकीवाजा मीन्स पंचिंग टेक्निक और दूसरा है उकेवाजा मीन्स ब्लॉकिंग टेक्निक। तो दोस्तों उनसे पहले हमने खड़े होना सीखना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दाचीवाजा मीन्स दाची मीन्स स्टांसेस। अब स्टांस में कौन सी स्टांस पे खड़े होंगे, पंचिंग करते टाइम और ब्लॉकिंग करते टाइम जब आप इन ब्लॉक और पंचेस को सीख रहे हैं आप खड़े होंगे इन शोतो हाची जी दाची। शोतो हाची जी दाची स्टांस किस तरह से बनाते हैं, जैसे आप इस स्ट्रेट खड़े हुए हैं आपने लेग्स उतने खोलने हैं जितने आपके शोल्डर्स हैं, लेग ऐसे कम नहीं रखना या बहुत ऐसे ज़्यादा ओपन नहीं रखना, जितने आपके शोल्डर्स हैं उतने लेग्स को ओपन करना है और जो आपके टोज की डायरेक्शन है वो इस तरह से रखनी है बाहर की तरफ इस तरह से, बहुत ज़्यादा भी बाहर नहीं रखनी इस तरह से 45 डिग्री दोनों साइड इस तरह से। तो ये स्टांस है शोतो हाची जी दाची, इस स्टांस से आपने ट्रेनिंग को स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे जुकीवाजा से। जुकीवाजा के लिए हमने बनाई है शोतो हाची जी दाची योई एंड हैंड्स खींचे, हैंड्स टाइट रखेंगे इस तरह से आगे। सबसे पहले हम फिस्ट बनाना सीखेंगे। फिस्ट हम किस तरह से बनाते हैं, फिंगर्स को इस तरह से आपने करना है ग्रिप एंड रखना है टाइट। अब जो आपका थंब है अपने इस थंब से जो आपकी सामने की टू फिंगर्स हैं इनको इस तरह से कवर करना है टाइटली, ग्रिप करना है। अब जो आप जब इसको ग्रिप करते हैं तो आपका थंब इस तरह से थोड़ा सा ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए कि ये देखिए इस तरह से आपके पंच के आगे आपके थंब नहीं रहना चाहिए कि आपका जब पंच लगे आगे किसी को चीज़ पे हिट हो रहा है तो आपका थंब इस तरह से इसके साथ नहीं मुड़ना चाहिए। थंब को पहले ही अंदर रखना है, आपने जो आपका अटैक है मेनली होगा इन टू नकल्स से। ओके, इस तरह से टाइट इस तरह से। तो ये है जो इस फीस्ट को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर फीस्ट मीन्स साइकेन। ओके, साइकेन इन जापानीज लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं। ओके, इसमें इस एरिया से अटैक करते हैं सामने की तरफ नकल से। ओके, तो आपने ली पोजिशन, फिंगर्स ग्रिप टाइटली एंड स्ट्रेट एंड आएंगे पंचिंग पोजिशन, हैंड्स बैक देन लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड आएंगे पंचिंग इस तरह से, लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड मिडल लेवल पंच। ओके, मिडल लेवल पंच आपने किस तरह से करना है स्लोली, फर्स्ट मैं आपको इसको टू काउंट में करके दिखाता हूँ इसकी प्रॉपर टेक्निक क्या है। आपने करना है इस तरह से, वन पे हाफ पंच, जो हैंड आपका सामने है इसको हाफ पीछे खींचना है, सेम टाइम ट्विस्ट करना है हाफ इस तरह से वन। ओके, सेम टाइम वन पे ही आपने जो आपका पीछे वाला हैंड है इसको हाफ लेकर आना है आगे, लेकिन जो ये वाला हैंड है इसको ट्विस्ट नहीं करना। देन आप जब करेंगे टू तो सेम टाइम आपने हैंड पीछे खींचना है देन इस वाले हैंड को ट्विस्ट करते हुए पंच करना है टू इस तरह से। मीन्स जो आपका पंच है वो हाफ मूवमेंट तक ट्विस्ट नहीं होगा, जो पंच आगे आ रहा है वो हाफ मूवमेंट तक ट्विस्ट नहीं होगा, नेक्स्ट हाफ में ट्विस्ट होगा। और जब आप वापस आ रहे हैं, वापस आते हुए फर्स्ट हाफ ट्विस्ट होगा देन फुल ट्विस्ट इस तरह से, मतलब वापस आते हुए ये मूव होते हुए आएगा और आगे जाते हुए विदाउट मूव होगा हाफ हाफ तक देन फुल आगे जाते हुए ट्विस्ट करना है पंच इस तरह से स्लोली इन टू काउंट, वन हाफ पंच देन टू स्ट्रेट, वन मोर टाइम हाफ पंच देन स्ट्रेट ट्विस्ट देन टू स्ट्रेट पंच, वन टू वन देन टू इस तरह से। सेम टाइम आपने ब्रीथिंग का ध्यान रखना है, वन इनहेल नोज के थ्रू देन टू एक्सहेल माउथ के थ्रू, वन एंड टू इस तरह से। देन आपने इसको करना है फिर इन वन काउंट, जब आप इसकी मूवमेंट को समझ जाएंगे इन वन काउंट,
वन, इस तरह से टू, इस तरह से पंचिंग थ्री स्ट्रेट, जैसे आपने किया वन ट्विस्ट टू, ध्यान रखना लास्ट में जाके ये पूरा ट्विस्ट होना चाहिए, इस तरह से थ्री फोर देन फाइव, इस तरह से देन आप इसको कब करेंगे स्पीड इन वन काउंट, ध्यान रखना है स्पीड करते टाइम जो हमारे शोल्डर्स हैं उनका ध्यान रखना है, ये स्ट्रेट रहने चाहिए, जब हम स्पीड पंच करते हैं तो ध्यान नहीं देते, बस ऐसे कर देते हैं शोल्डर जिससे साइड आ जाता है, शोल्डर्स का ध्यान रखेंगे स्ट्रेट रखेंगे, पॉस्चर आपका स्ट्रेट रहना चाहिए बिल्कुल पंचिंग में, देन आप करेंगे पंच वन टू थ्री फोर फाइव, हाय इस तरह से। तो स्टार्टिंग मैंने अभी आपको फाइव पंचेस करके दिखाया, आप कम से कम भी अगर आप बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं तो 30 पंचेस आपने कर रहे हैं मिडिल लेवल, देन इसके बाद आपने नेक्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, नेक्स्ट ट्रेनिंग में अभी हमने किया था मिडिल लेवल छूदान चुकुजुकी, देन अब हम करेंगे जोदान चुकी, जोदान मीन्स बॉडी का अपर लेवल, मीन्स छूदान मिडिल लेवल, जोदान अपर लेवल, गेदान लोअर लेवल, ये तीन लेवल होते हैं बॉडी में, तो अभी हमने किया था छूदान मीन्स मिडिल लेवल, अब करेंगे जोदान मीन्स अपर लेवल। अपर लेवल पंच में जो आपका पंच है वो बिल्कुल आपके नोज की स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल अपने फेस के सामने नोज की स्ट्रेट लाइन, एंड जो आपकी टेक्निक है वो सेम रहेगी जो आपने फर्स्ट पंच में की है चोकुजुकी में, सेम रहेगी, लेकिन जो इसमें डकल्स की डायरेक्शन है वो थोड़ी आगे की तरफ नोज की तरफ होनी चाहिए, थोड़ी डाउन, ओके इस तरह से टाइट, देन आप करेंगे स्लोली इस पंच को फर्स्ट इन वन काउंट, वन स्ट्रेट टू स्ट्रेट, सेम मूवमेंट है जो आपने चूदान पंच किया, सेम मूवमेंट में सेकंड पंच है, थ्री यस फोर फाइव, देन आप करें अब इसको स्पीड इन वन काउंट, ध्यान रखना बिल्कुल नोज के सामने बिना शोल्डर की मूवमेंट के, हल्की सी मूवमेंट है, बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं करना शोल्डर्स को, टाइट रखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, हाई इस तरह से, देन इसके बाद आपने करना है गेदान जुकी मींस डाउन पंच, गेदान मींस लोअर लेवल बॉडी का एंड जुकी मींस पंच, तो हैंड टाइट रखेंगे, दूसरा हैंड पीछे, सेम टेक्निक, देन लास्ट मूवमेंट पे ट्विस्ट, देखना है इसमें आपने सामने शोल्डर स्ट्रेट बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, टाइटली इन छोटो हची जिदाची टोस की डायरेक्शन बाहर की तरफ, जो ये पंच है वो आपकी जो आपकी बेल्ट है बेल्ट की लाइन के स्ट्रेट आएगा, ओके ना ज़्यादा इससे नीचे आना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ऊपर आना चाहिए, आपकी बेल्ट की लाइन के सामने, ओके टाइट इस तरह से, देन आप करेंगे स्लोली इन वन काउंट, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके स्पीड सेम सेम टेक्निक, स्पीड वन टू थ्री फोर फाइव, हाई इस तरह से। दोस्तों मैंने जो भी अभी आपको तीन पंचेस करके दिखाए हैं, जो बेसिक मैंने आपको पंचेस करके दिखाए हैं, ये आपने एक सेट में 30-30 ही करने हैं, मैंने आपको 5-5 टाइम्स इसलिए दिखाया है कि आप सिर्फ इसको समझें और सीखें, उसके बाद आप इसकी ट्रेनिंग को अच्छे से कम भी 30-30 टाइम्स, ओके देन आपने करना है इसके बाद उकेवाजा, उकेवाजा मीन्स ब्लॉकिंग टेक्निक, सो फर्स्ट हम टू ब्लॉक्स आज सीखेंगे जो हमारे बिल्कुल बेसिक लेवल ब्लॉक्स हैं, सेम आप हैंड लेकर आए पीछे, फर्स्ट हम सीखेंगे लोअर लेवल ब्लॉक गेदान बराई, ओके इन जैपनीज लैंग्वेज इसे हम बोलते हैं गेदान बराई, लेफ्ट हैंड फर्स्ट आप आगे लेके आएंगे, दूसरा हैंड पीछे, अभी आप चीज एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप करते हैं पंचिंग तो आपके शोल्डर्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, देन जब आप करते हैं ब्लॉकिंग तो आपकी अपर बॉडी होती है 45 डिग्री साइड साइड साइड, ओके तो आपकी अपर बॉडी आपने इसमें साइड रखनी है, गेदान बराई डाउनवर्ड ब्लॉक फर्स्ट इन फोर काउंट, ब्लॉकिंग हम फोर काउंट में इसलिए कर रहे हैं कि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि मूवमेंट क्या है ब्लॉक करने की, सो गेदान बराई स्लोली वन, फर्स्ट हैंड आपने इस तरह से ऊपर लेकर आना है टाइटली, इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपने शोल्डर पे टच नहीं करना, हैंड को ऊपर रखना है इस तरह से टाइट, देन आप टू पर अपनी एल्बोज को क्लोज टच करेंगे, टू एल्बोज टच, जो आपके शोल्डर से अंदर की तरफ आने चाहिए इस तरह से अंदर की तरफ, टू देन थ्री बॉडी साइड, देन फोर आप करेंगे ब्लॉक इस तरह से साइड, ठीक है बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखना है, देन जो आपकी कमर है ऐसे या ऐसे नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट रखना, ठीक है बॉडी पोस्चर का मतलब ये, लेकिन जो आपके शोल्डर्स है उनको साइड रखना,
ओके स्लोली वन हैंड ऊपर टाइटली, टू एल्बोस टच, थ्री अपर बॉडी साइड, देन फोर ब्लॉकिंग के साथ स्ट्रेट। एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि इसको इसके ऊपर इस तरह से ये रगड़ खा के नहीं आना चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर ये यहाँ पर रगड़ खा रहा है ज़्यादा तो इसमें आपकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अटक रहा है फिर वो ब्लॉक हो रहा है, वो अटकना नहीं चाहिए। आपका जो ये हैंड है इसकी स्ट्रेट लाइन आपका ब्लॉक है, लेकिन सिर्फ इस हैंड को फॉलो करते हुए आना है, ना कि इसको टच करते हुए आना, सिर्फ फॉलो करते हुए आएंगे इस हैंड को और आपने ब्लॉक करना है इस तरह से स्लोली इन फोर काउंट, वन हैंड ऊपर, टू क्लोज, थ्री साइड, फोर गेदान बराई, वन टाइट, टू टच, थ्री साइड, फोर गेदान बराई। देन इसके बाद आपने इसको सीखना है इन टू काउंट, इन टू काउंट ट्रेनिंग, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, सेम टाइम हैंड ऊपर, वन एल्बोस टच, देन आप करेंगे टू अदर साइड सेम ट्विस्ट एंड टू गेदान बराई डाउनवर्ड ब्लॉक, इस तरह से वन क्लोज शोल्डर अंदर की तरफ, देन आप करेंगे टू, जो सेम टाइम शोल्डर से पावर लगाते हुए ओपन गेदान बराई, वन हैंड टाइट क्लोज, देन टू स्पीड इन टू काउंट, वन क्लोज, देन टू टाइट, वन टू वन एंड टू। ओके स्लोली फिर हम इसको करेंगे इन वन काउंट, इन वन काउंट, वन टू हैंड ऊपर, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, देन ट्विस्टिंग सेम टाइम ब्लॉकिंग टू, ओके इस तरह से वन ब्लॉक, टू ब्लॉक, थ्री फोर फाइव हाई। ओके अब करेंगे इन स्पीड वन काउंट, ओके स्पीड वन काउंट, वन टाइट हैंड, टू थ्री फोर फाइव हाई। ओके इस तरह से आपने करना है गेदान बराई। तो नेक्स्ट हम करेंगे जोदान आगे उके, ओके नेक्स्ट जोदान आगे उके, जोदान जैसे हमने सीखा था बॉडी का अपर लेवल, जोदान ओके जोदान आगे उके को बोलते हैं अपर लेवल राइजिंग ब्लॉक। ओके राइजिंग ब्लॉक किस तरह से आपने करना है, तो अभी हमने किया था गेदान बराई, देन अब हम करेंगे जोदान आगे उके। ओके इन जोदान आगे उके जो आपका हैंड है पंच बनाया आपने टाइट स्ट्रेट इस तरह से टाइटली, अपने हेड से फोर फिंगर्स आपने इस हैंड को ऊपर रखना है, देन इसको हल्का सा स्लाइड में लेकर आना, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा स्लाइड, शोल्डर रिलैक्स, बिकॉज शोल्डर टाइट रखा है ये ऊपर उठ, ये ऊपर नहीं उठना चाहिए, शोल्डर रिलैक्स, स्ट्रेट शोल्डर रिलैक्स, ये चीज साइड, ओके एंड बॉडी 45 डिग्री साइड इसके साथ। ओके स्लोली हम करेंगे जोदान आगे उके, फर्स्ट हम इसको सीखते हैं इन थ्री काउंट, इन थ्री काउंट, वन क्रॉस, देन टू बॉडी साइड, देन थ्री जोदान आगे उके, देन ट्विस्ट लास्ट मोमेंट पे ट्विस्टिंग के साथ आगे उके। ओके टाइट हैंड, थोड़ा सा बॉडी इस तरह से इसको साइड रखेंगे, अपर बॉडी 45 डिग्री साइड ब्लॉकिंग में। ओके स्लोली वन क्रॉस, देन ट्विस्ट, देन सेम टाइम हैंड, देन टू जोदान आगे ओके। देखो दोस्तों जोदान आगे ओके जो आपका हैंड है यहाँ पर फर्स्ट ओपन हैंड होता है, देन क्रॉस आते हैं, फिर साइड आते हैं एंड आगे ओके करते हैं। बिल्कुल बिगनर्स के लिए आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको ईजी वे में बता रहा हूँ। हम इसके नेक्स्ट नेक्स्ट लेसन्स बनाएंगे आगे, लाइक लेसन टू थ्री फोर, इस तरह से हम आपको कोशिश करेंगे वीडियोस देने की, तो उसमें हम आपको प्रॉपरली इसकी मूवमेंट्स बताएंगे, इसलिए आज मैं आपको थोड़ा सा ईजी वे में बता रहा हूँ कि आप ट्रेनिंग किस तरह से कर सकते हैं। ओके तो जोदान आगे ओके स्लोली वन देन टू साइड देन थ्री आगे ओके सेम वन क्रॉस टू साइड देन थ्री आगे ओके टाइट इस तरह से। तो हम करेंगे स्लोली इन टू काउंट ट्रेनिंग, वन बॉडी पोस्चर स्ट्रेट एंड ट्विस्ट, देन अब इसके बाद करेंगे टू पे साइड देन हैंड सेम टाइम शोल्डर टू इस तरह से जोड़ा रहेगा, वन ट्विस्ट टू आगे वन टू इस तरह से। देन अब हम इसको करेंगे इन वन काउंट स्लोली, वन काउंट वन फोकस करेंगे, हैंड क्रॉस होके आना चाहिए, टू क्रॉस देन आगे ओके
थ्री क्रॉस आगे ओके, फोर आगे ओके, फाइव हाई, इस तरह से। देन अब हम करेंगे इसको स्पीड इन वन काउंट, इन वन काउंट, वन टू थ्री फोर फाइव हाई, इस तरह से जमे। ये है आपका ते वाजा, मीन्स हैंड्स टेक्निक फर्स्ट लेसन के हिसाब से। सो अब हम करेंगे आशी वाजा, मीन्स लेग्स टेक्निक। सो इसमें आपने किस तरह से ट्रेनिंग करना है, आशी वाजा का हम अभी पार्ट करेंगे गेरी वाजा, मीन्स किकिंग टेक्निक। तो किकिंग आपने किस तरह से करना है, फर्स्ट हमने जो ट्रेनिंग किया था वो किया था इन शोतो हाची जी दाची, देन अब हम करेंगे फर्स्ट इन हाई सुकुदाची। ओके, हाई सुकुदाची डिफरेंट स्टांस है ये सारी, मतलब कि जो आपको इस ट्रेनिंग में अभी हम जो स्टांसिस कर रहे हैं ये सारी स्टांसिस हैं शिजनताई पोस्चर्स। शिजनताई मीन्स नेचुरल पोस्चर्स। ओके, तो ये है शोतो हाची जी दाची, देन इसके बाद बिल्कुल लेग्स टच स्ट्रेट, फिंगर्स की डायरेक्शन आगे की तरफ इस तरह से, ये है हाई सुकुदाची स्टांस। ओके, इन हाई सुकुदाची हम फर्स्ट करेंगे माए गेरी ट्रेनिंग। ओके, माए गेरी इन टू काउंट, इन टू काउंट हम इसको स्लोली करके मैं आपको पहले दिखाता हूँ किस तरह से करना है। इन हाई सुकुदाची जब आप करेंगे माए गेरी तो हल्का सा इसके लिए रेडी होंगे नी बैंड करके, इस तरह से हैंड्स को रखना है इस तरह से आपने साइड में, इस तरह से साइड में, देन आपने करना स्लोली किक नी बैंड वन अप, टो की डायरेक्शन बिल्कुल अपनी तरफ ऊपर खींचना है इस तरह से, टाइटली लेग आगे, नी आपका, देन ये लेग ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल अपनी तरफ खींच के रखना टाइट। ओके, आगे नी, देन ये अपनी तरफ, देन इसके बाद आप करेंगे आगे की तरफ किक टू, इस तरह से आगे। अब जो आपकी किक है उसमें आपका कौन सा एरिया से आप अटैक करेंगे, मतलब जो आपका लेग है उसके कौन से पार्ट से अटैक करेंगे फुट के, आपका जो ये बॉल ऑफ द फुट है इससे आपने अटैक करना है। इसमें जो आपके फिंगर्स हैं उसको पीछे रखना है इस तरह से, और जो ये बॉल ऑफ फुट है इससे आप अटैक करेंगे से ये आगे की तरफ, जो आपका नी उठाया, देन आप आगे जा रहे हैं, स्ट्रेट नहीं आना इस तरह से, ट्राई करना है जो आपका बालो फुट है वो आगे रहे, एंकल से आगे की तरफ पुश करना इस तरह से। सो ये पोजीशन है माए गेरी किक करने की। तो स्लोली इन टू काउंट वन, देन किकिंग टू, किक बैक एंड डाउन, सेम अदर लेग वन नी बैंड, देन टू किक बैक एंड डाउन, इस तरह से। सो पोजीशन लेंगे इस तरह से, यो ई इन टू काउंट स्लोली वन एंड टू डाउन, वन देन टू डाउन, वन देन टू डाउन, वन एंड टू डाउन। अब इसके साथ जब आपने इसकी मूवमेंट सीख ली है कि नी किस तरह से उठेगा, देन किक खोलते टाइम आपने एंकल को आगे की तरफ पुश करना है और फिंगर्स को पीछे की तरफ खींचना है जिससे आपका बॉल ऑफ फुट आगे आए। इसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है, नी बैंड आपने ऊपर उठाया कि किसी जगह नहीं होनी चाहिए इस तरह से। अब बेसिकली जो बिगिनर्स हैं वो इस तरह से किक करते हैं स्टार्टिंग में खड़े होकर, आपने धीरे धीरे ट्राई करना है बिगिनर लेवल से ही, जो आपकी किक है उसको मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप क्लियर कर सकते हैं उतना करना है। नी बैंड आपने उठाया, सेम टाइम आपका जो कमर है कमर से पुश करेंगे आगे की तरफ किक को, देन पुश फिर किक खोलना आगे की तरफ, मतलब मैक्सिमम दूर तक किक चला के और फिर वापस लेकर आना है आपने, ट्राई करना है। ओके, मीन्स ये नहीं करना, किक को पुश करना है, फिर नेक्स्ट को पुश करना है, फिर नेक्स्ट को पुश करना है, आगे की तरफ पुश करना है, ठीक है, कमर से। सो इसमें हम करेंगे इन वन काउंट स्लोली, इन वन काउंट वन पुश बैक, टू पुश बैक, थ्री पुश बैक, फोर पुश बैक, फाइव पुश एंड बैक, इस तरह से। फिर हम करेंगे स्पीड इन वन काउंट। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव हाई, इस तरह से यमे। तो अभी मैंने आपको माए गेरी फाइव टाइम्स करके दिखाया है, आपने मिनिमम भी इसको एक सेट में 20 टाइम्स करना है और धीरे धीरे करके आप इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपने किया इन हाई सुकुदाची,
हाई सुकुदाची में करने के बाद आपने इस किक को करना है इन रेनोजी दाची। अब लेफ्ट लेग रखेंगे आगे एंड राइट लेग रखेंगे इस तरह से पीछे। जितने आप नॉर्मली स्टेप लेते हुए चलते हैं उतने आपने स्टेप्स में इस किक को करना है। इधर से हल्का सा रेनोजी दाची से थोड़ा सा बाहर रखना, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बाहर, कि आपकी किक प्रॉपर आ सके। हैंड साइड इस तरह से फाइटिंग स्टांस, और अब यहाँ से करेंगे किक, मायगिरी किक एंड बैक, सेम मायगिरी किक एंड बैक, सेम मायगिरी किक और फिर बैक। इस तरह से आपने इस ट्रेनिंग को करना है। किस तरह से, हैंड्स रखा टाइट, हल्का सा नी बैंड फ्रंट लेग का एंड स्पीड इन वन काउंट, 1 2 3 4 5 हाय। इस तरह से फिर लेग चेंज अदर साइड, सेम 1 2 3 4 5 हाय। इस तरह से तो दोनों साइड से मैंने अभी आपको 5-5 करके दिखाया है, आप दोनों साइड से 20-20 करेंगे। मायगिरी फर्स्ट इन हाई सुकुदाची, सेकंड इन रेनोजी दाची। ओके, नेक्स्ट किक है हमारी योकोगेरी। योकोगेरी मीन्स साइड किक। योकोगेरी में भी अब टू टाइप्स ऑफ किक्स होती हैं, एक होती है योकोगेरी खेयागी मीन्स स्नैप किक और एक होती है योकोगेरी किकोमी मीन्स थ्रस्ट किक। आज हम करेंगे योकोगेरी खेयागी स्नैप किक। फर्स्ट करेंगे छुदान। ओके, योकोगेरी के लिए आप इस तरह से लेग्स ओपन करेंगे साइड और बनाएंगे हाइको दाची पोजिशन। इन शोतो हाची जी दाची टोस की डायरेक्शन रखी थी बाहर की तरफ। योकोगेरी की करें, योकोगेरी किक के लिए हम करेंगे अंदर की तरफ, टोस की डायरेक्शन अंदर, लेग्स उतने खोलने हैं जितने आपके शोल्डर्स हैं। ओके, बेसिकली आपने ज़्यादातर वीडियोस में देखा होगा कि आप इस तरह से किबा दाची में करते हैं किक, लेकिन अभी बिगनर लेवल में हम पहले समझ रहे हैं तो किक को हम इन स्टैंडिंग पोजिशन ही सीखेंगे। ठीक है, तो आपने ये ली पोजिशन, यहाँ से स्लोली इन टू काउंट में अभी आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट किया नी बैंड, 1 अप इस तरह से, मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना नी, इस तरह से 1 अंदर की तरफ उठाना है अपने दूसरे नी की तरफ, इस तरह से लेग को अंदर की। देन अब इसके बाद आप करेंगे 2 साइड, देन आप करेंगे किक योकोगेरी और फिर आएंगे बैक एंड स्लोली 1, देन इसके बाद किक 2 किक और डाउन, इस तरह से। अब इसमें आपने टो की क्या डायरेक्शन रखनी है, उसमें हमने मायगिरी में हमने यूज़ किया था बॉल ऑफ फुट। नेक्स्ट अब इस किक में हम करेंगे यूज़ फुट एज, जो आपकी फुट एज है इसका यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, पहले आप पोजिशन इस तरह से देखें, जो आपकी टो की डायरेक्शन है बिल्कुल अपनी तरफ खींचना है पंजे को फर्स्ट, देन आपने अपने अपने फिंगर्स को आगे की तरफ पुश करना है इस तरह से, देन अंगूठे को रखना है अपनी तरफ और सेम टाइम जो आपका ये एरिया है इसको लेकर जाना है नीचे की तरफ, आगे नीचे की तरफ, देन ये आपकी नी किक बैक और डाउन, इस तरह से आएगा। अब आप किस तरह से फिर इस किक को करेंगे इन टू काउंट, लाइक जैसे अभी हमने समझ लिया कि टो की डायरेक्शन कैसे रखनी है, आपने पंजे की डायरेक्शन कैसे रखनी है, नी बैंड किया 1, देन अब इसके बाद किक 2 किक और बैक, इस तरह से। देन अदर साइड सेम 1 नी बैंड इस तरह से ऊपर टाइटली, देन इसके बाद करेंगे 2 देन योकोगेरी और फिर डाउन 1 नी बैंड अप, देन सेम टाइम अब हैंड्स को रखेंगे साइड, देन अब करेंगे 2 योकोगेरी किक और फिर डाउन सेम साइड 1 देन 2 फिर डाउन 1 2 योकोगेरी और फिर डाउन 1 2 और फिर डाउन, इस तरह से। देन इसी तरह से आप करेंगे दूसरी साइड भी 1 एंड करेंगे 2 और फिर डाउन। ओके, 1 एंड 2 एंड डाउन, 1 एंड 2 डाउन। तो ये है स्नैप किक, मीन्स नीचे से थोड़ी ऊपर की तरफ, इस तरह से इसकी मूवमेंट। सो अब इसको हम करेंगे इन वन काउंट ट्रेनिंग, इन वन काउंट हैंड्स रखेंगे साइड। ओके 1, ओके अदर साइड सेम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाई, इस तरह से। सो योकोगेरी आपने इस तरह से ट्रेनिंग करना है। फर्स्ट आपने इसमें कम से कम भी एक लेग से 30 किक्स करनी है और दूसरे लेग से भी सेम 30 किक्स करनी है। और जब आप साइड टू साइड, ये लास्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसमें साइड टू साइड आप किक्स कर रहे हैं, तो एक सेट में मिनिमम भी 60 किक करें जिससे 30-30 आपके इक्वल हो जाए। तो दोस्तों इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने कुछ एक्सरसाइजेस करनी है।
दोस्तों एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है कराटे की ट्रेनिंग में, जिससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड और मोबिलिटी आए। तो दोस्तों स्टार्टिंग आपने करनी है सिटअप से, लेग्स आपने इस तरह से रखने ओपन, टोस की डायरेक्शन रखनी है अंदर की तरफ, फिंगर्स ग्रिप करके हैंड्स को रखना है इस तरह से सिर के पीछे, और इधर से आपने करना है फर्स्ट सिटअप्स की ट्रेनिंग। सिटअप्स में आपने बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से नीचे बैठना है और नीज टाइट रखने हैं, टोस की डायरेक्शन अंदर रखनी है एंड यहाँ से स्ट्रेट आपने खड़े होना है। सिटअप वन और फिर स्ट्रेट अप, टू एंड फिर स्ट्रेट अप। अब सिटअप ट्रेनिंग में जब सिटअप्स करते हैं हम, तो आपने ट्राई क्या करना है, जो आपकी हील है वो ज़मीन से ऊपर नहीं उठनी चाहिए, मतलब सिटअप करते टाइम ऐसे नहीं बैठना, नीचे ऐसे बैठ के फिर उठ गए। ये करने में इजी है लेकिन इससे ज़ोर प्रॉपर नहीं पड़ता, हमें जिस मसल्स पे ज़ोर चाहिए वो प्रॉपर नहीं आता। तो आपने क्या करना है, हील ज़मीन पे रखनी है, देन आपने करना है वन और फिर उठना है ऊपर, टू, इस तरह से आप पूरा नीचे बैठेंगे, वन, हील ज़मीन पे टाइट, नीज टाइट, टोस की डायरेक्शन अंदर, बाहर नहीं निकलनी चाहिए, देन टू अप, इस तरह से। सो आप मेरे साथ करें इस तरह से, फर्स्ट हील ज़मीन पे रखें, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरह से। तो अभी मैंने आपको फाइव टाइम्स करके दिखाया, आप मिनिमम भी इसको एक सेट में 20 करें और इसके आपने दो सेट ज़रूर लगाने हैं। इसके बाद आपने करना है लंजेस, लेग्स को करना है इस तरह से ओपन, जितने आपके शोल्डर्स हैं उतना ओपन, और स्टांस लेनी है हाइकोदाची, शिजनताई पोस्चर, हाइकोदाची, इन हाइकोदाची आपने एक स्टेप लेना है आगे की तरफ इस तरह से, देन आपने नी बैंड करना है आगे की तरफ, और जो बैक लेग का नी है वो आप इस तरह से हील बैक लेग की उठा के नी को ज़मीन की तरफ लेकर आएंगे और स्ट्रेच करने का ट्राई करेंगे ज़मीन की तरफ। स्टार्टिंग में आप इस ट्रेनिंग को करते हुए हैंड ज़मीन पे टच कर सकते हैं, लाइक कैसे आपने किया, वन डाउन फिर अप, टू, नेक्स्ट किया थ्री, आगे आए हैंड ज़मीन की तरफ लेके गए, स्ट्रेच किया और फिर बैक आए। ये उनके लिए जो इसको नहीं कर पाएंगे स्ट्रेट खड़े होके, कि थोड़ा वो लाइट वे में, ईजी वे में इसको कर ले। लेकिन जो आप अगर कर सकते हैं इसको ट्रेनिंग, तो हैंड्स रखें इस तरह से आगे, देन बिना हैंड ज़मीन पे टच किए वन डाउन स्ट्रेच करना है, टू बैक आना है, थ्री देन स्ट्रेच बैक, फोर देन बैक, फाइव फिर बैक, करते हुए सेम हाइकोदाची पोजिशन में ही आएंगे। मैंने आपको ये फाइव टाइम्स करके दिखाया, आप इसको कम से कम भी एक सेट में 15 करें और इसके भी आपने दो सेट्स लगाने हैं। फिर उसके बाद आपने ट्रेनिंग करनी है, जो हमारी दाचीवाजा की नेक्स्ट चांस है वो है शिकोदाची, तो उसकी डायरेक्शन रखनी है बाहर, जिन नी आपने रखनी है इसके साथ बाहर की तरफ, देखो नी की डायरेक्शन ऐसे गिरनी नहीं चाहिए अंदर, ये बाहर रख रहे हैं, देन आप करेंगे नी बैंड, जितने आपका नी है ये लाइन थाई की स्ट्रेट आनी चाहिए, इस पोजिशन तक आपने बैंड करना है इस स्टांस को, और हैंड्स रखना है साइड में, और इस पोजिशन में आपने होल्ड करना है, होल्ड अभी जैसे लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से, ये किया आपने पोजिशन हैंड साइड, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, नी बैंड प्रॉपर स्ट्रेट लाइन, एट, नाइन, टेन, ओके। अभी मैंने आपको 10 सेकेंड्स तक होल्ड करके दिखाया, आप मिनिमम भी इस पोजिशन में 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे करके आपने इसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए कम से कम 1 मिनट 2 मिनट पे इसको लेकर जाना है। तो दोस्तों ये था कराटे ट्रेनिंग का लेसन वन। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों अगर आप बिगनर्स हैं और कराटे सीखना स्टार्ट किया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने आज की वीडियो में क्या कुछ सीखा है। और दोस्तों अगर आप हमसे और कुछ भी सीखना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल उठता है मार्शल आर्ट्स को लेकर, कराटे को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में #askUM में लिख के स्पेस डालें और उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।